এটা না আমি একটু দূর থেকে নিতাম, মনে হয় ভারী আসছে রেডি। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मुंबई से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है कर्जत। आज बहुत ही सुंदर वीकेंड गेटअवे है जो मुंबई से आप एक दिन में जाकर भी लौट सकते हैं या फिर एक दिन स्टे करके भी वहां का आनंद ले सकते हैं, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो ऐसे ही एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। यह वीडियो मैं थोड़े दिन पहले ही अपलोड करने वाली थी, थोड़ी सी लेट हो गई मैं, सॉरी फॉर दैट। और यह वीकेंड गेट एकदम परफेक्ट है मॉनसून के लिए। यहाँ जो इसकी जो उल्लास वैली है ये पूरी ग्रीनरी से भरी होती है और इतना खूबसूरत लगता है। और जो भी वाटरफॉल्स है वो आपको यहाँ मॉनसून में ही मिलेंगे। तो छोटे छोटे रास्ते में जाते वक्त छोटे छोटे वाटरफॉल्स, छोटे छोटे झरने, छोटे छोटे लेक्स और भरपूर प्राकृतिक दृश्य से आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तो अगर आप मुंबई में हैं या मुंबई गए हुए हैं और मॉनसून का टाइम है तो इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं। एक दो दिन की एकदम शांति आपको महसूस होगी। इस जगह में जाने के लिए आप मुंबई से अपने व्हीकल का भी यूज़ कर सकते हैं या आप इजीली ट्रेन या बस से इजीली यहाँ जा सकते हैं। ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स भी अवेलेबल है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एकदम भीवपुरी वाटरफॉल्स के पास है और भीवपुरी वाटरफॉल्स एकदम पास है भीवपुरी स्टेशन से। तो आप लोकल ट्रेन से भीवपुरी स्टेशन भी आ सकते हैं, उसके बाद आपको ट्रैक करना होगा। अगर आप कंफर्टेबल शूज़ पहने तो ही बेहतर है क्योंकि वाटरफॉल्स को एंजॉय करने के लिए आपको करीब 5 किलोमीटर का ट्रैकिंग ज़रूर करना होगा। तो आप ज़रूर अपने क्लोथ्स जो है वो कंफर्टेबल पहने और शूज़ पहने तो ही बेहतर है, वरना पाँव थोड़ा स्लिप कर सकते हैं। और देखिए वो दूर में जो है भीवपुरी वाटरफॉल्स दिख रहा है, ये मॉनसून में ही दिखते हैं। और इसको आप धीरे धीरे आप ऊपर तक जहाँ तक आप जा पाएंगे, आपका हेल्थ अलाउ करेगा उतना आप जा सकते हैं। मुंबई से ये जो लोकेशंस है इसका सबसे ख़ास बात ये है कि आप लोकेशन से पहुंचने लोकेशन तक पहुंचने से बहुत पहले ही ऐसा ऐसे जगह आपको मिलेंगे जहां आपको गाड़ी रोक करके वो जगह की ब्यूटी एंजॉय करने का बहुत मन करेगा। ये जो जगह है वैसे ही रास्ते में ही एक हमें मिला साइड में जो हम रुक गए, ये भीवपुरी फॉल्स के थोड़े से पहले है। यहाँ एक्चुअली लोग पिकनिक करने भी आते हैं, फुल फैमिली लेकर आप आ सकते हो। ये भीवपुरी के ट्रैक से थोड़ा नीचे है, मतलब बेस लेवल पर है, तो यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। पर यहाँ से आप अगर इससे ऊपर चलोगे भीवपुरी तक, मतलब जो मेन फॉल्स है वहाँ तक, तो आपको काफ़ी पानी और थोड़े रॉक्स क्रॉस करके जाने पड़ेंगे। हम लोग सबको क्योंकि मुंबई के शोर शराबों से इतने ज़्यादा ट्यून रहते हैं कि कानों में जब ये वाटरफॉल्स के आवाज़ आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये आवाज़। अच्छा है कि ये सब जगह एक्चुअली ट्रैफिक एक्सेस और शहर के उस चीज़ से थोड़ा दूर ही है कि अब भी हम अगर मन चाहे तो कहीं नेचर के पास अभी भी जाने का एक्सेस है, वरना इतना तो ज़्यादा शोर शराबा हासिल बसल रहता है सिटी लाइफ का कि इंसान भी थक जाता है। यहाँ आके बैठने में जो सुकून है वो शायद ही कहीं और है। और कर्जत इतना अच्छा जगह है क्योंकि मतलब ये इतना ज़्यादा भी एक्सप्लोर्ड नहीं है जैसे लोनावला वगैरह जैसा, तो क्या है कि अभी भी बहुत ज़्यादा आप जैसे
वाटरफॉल्स तक, मतलब बहुत पास तक एक्सेस कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि बैरिकेड बना हुआ है या कुछ, एकदम पास जाके आप बैठ सकोगे, एंजॉय कर सकोगे। और उतने डेंजरस फॉल्स नहीं है कि पास में जाओ तो एक्सीडेंट होने का डर है। कर्जत का ये सबसे बेनिफिट ये लगा कि टूरिस्ट एंगल से भी ये उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है कि कमर्शलाइज हो गया हो ये जगह, तो इसीलिए ये जगह में बैठ के जो सुकून है, ओ भाई आप इमेजिन कर सकते हो, मस्त ठंडी हवा, वाटरफॉल्स के आवाज़, आप और मस्त बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो नेचर, क्या मज़ा आएगा यहाँ पे। एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो जगह आप देख रहे हो कर्जत में, ये वो छोटा सा गांव है जो भीवपुरी गांव है, तो ये भीवपुरी वाटरफॉल्स के पास है। तो क्या आयरनी है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, हमें एक टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है, हम फोटोज़ खींच रहे हैं, वहीं पर ये लोग रहते हैं दिन रात। इनके लिए ये अलग नहीं है, इनका ये ज़िंदगी है। शायद ये वाटरफॉल्स में जो ये लोग रहते हैं, तो मुसीबतें आती होंगी जो हमें शहर में मिलते हैं उनको नहीं मिलते होंगे, बट फिर भी अपना ज़िंदगी का गुजारा यहाँ कर रहे हैं। तो यही बात है कि ये वो गांव है। हर जगह में रहने के उसके प्रोज एंड कॉन्स है। हो सकता है शहर से दूर जो शहर के प्रॉब्लम्स है वो भी इन्हें यहाँ नहीं छू सकते, ये नेचर के बीच में बहुत सिक्योर जगह में अपना ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हो, तो बहुत ही सुकून भरा जगह है ये। और यहाँ जहाँ हम आए हैं ये है मोरबे डैम। मुंबई का मैक्सिमम वाटर सप्लाई यहीं से मिलता है हमें। सुन रहे हैं आप ये पानी का आवाज़? आप जो भी स्क्रीन के उस पार से देख रहे हैं ये वीडियो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो ब्यूटी है, जो सुकून है, वो आप तक पहुँचे। ये आवाज़, ये व्यू, ये ठंडा हवा, काश मैं स्क्रीन के उस पार आपको भेज सकती। बहुत ही ज़्यादा सुकून है यहाँ। कर्जत एक ऐसी जगह है कि आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारे साइट सीइंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखने के लिए जगहों का नाम जैसे मैं आपको बता देती हूँ, भीवपुरी था, मोरबे डैम है, सोनडाई फोर्ट है, सोनगिरी फोर्ट है, पालीभूति वाली डैम है, कोथालीगढ़, फिर कोंढने बुद्धिस्ट केव्स, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप सारे पॉइंट्स में व्यू भी कर सकते हैं, या फिर ये ऐसी जगह है कि आप अगर एक भी जगह में जाए और अपना मैक्सिमम दिन बिता दे, पिकनिक करे, अपने फैमिली के साथ बैठ के सुकून भरा एक दिन स्पेंड करे, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ों का आपको आनंद मिलेगा। या तो आप घूम के बहुत सारी जगहों पर साइट सीइंग कर सकते हैं, जो जो जगह मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप स्टेशन में भी आए ना ट्रेन से, मतलब नेसेसरी नहीं आप गाड़ी से ही आए, स्टेशन में भी आए, तो आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाएगा जो आपको साइट सीइंग करा देंगे। बहुत ही सुंदर जगह है। तो ये रहा कर्जत आपके लिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए।